हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। टीवी की दो बहुएं, एक ने गोपी बहू बनकर तो एक ने तपस्या बनकर जीता लोगों का दिल। अब बिग बॉस के घर में कर रही है खूब सारा ड्रामा और हंगामा। जी हाँ, ये तो हर कोई जानता ही है कि इस बार के बिग बॉस में रश्मि देसाई और देवोलीना भट्टाचार्य घर के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर बन गए हैं। दोनों ही एक्ट्रेसेस घर से बेघर हो गई थीं, लेकिन इनकी किस्मत इन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। दोनों को एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स घर के अंदर एक बार फिर भेजा गया। वहीं आज हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको अपनी रिसर्च के मुताबिक प्रॉपर्टी, फिल्म्स, टीवी शोज, कलेक्शन ऑफ कार्स को देखते हुए बताएंगे कि रश्मि देसाई और देवोलीना भट्टाचार्य में से कौन है ज्यादा अमीर। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू टीवी शोज एंड फिल्म्स। टीवी की फेमस एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने 24 फिल्में की है, 17 शोज में काम किया है। रश्मि देसाई ने उतरन, रावण, दिल से दिल तक, अधूरी कहानी हमारी, परी हूं मैं जैसे सीरियल्स के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो वो सीरियल्स में काम करने के लिए 55,000 से लेकर 75,000 पर एपिसोड फीस चार्ज करती हैं। वहीं देवोलीना की अगर बात की जाए तो उन्होंने सवारे सबके सपने प्रीतों से डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें शो साथ निभाना साथिया में गोपी बहू के रोल के बाद पहचान मिली। उन्होंने कुल मिलाकर 8 शोज और 2 म्यूजिक वीडियोस में काम किया है। वहीं उनकी फीस की अगर बात की जाए तो वो सीरियल्स में काम करने के लिए 45,000 से 55,000 रुपए चार्ज करती हैं। एक समय हुआ करता था जब देवोलीना टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शुमार थी। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कार कलेक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एंडोर्समेंट्स। रश्मि काफी सालों से टीवी इंडस्ट्री में राज कर रही हैं। उन्होंने ना सिर्फ अपने सीरियल्स के जरिए लोगों को दीवाना किया, बल्कि उन्हें कई एड्स में भी देखा जा चुका है। सलमान खान के साथ उन्हें एक्टिव व्हील एड में देखा गया था। वहीं इसके बाद वो एक नूडल के ब्रांड, ऑयल के ब्रांड का एंडोर्समेंट करती नजर आ चुकी हैं। बात करें उनकी प्रॉपर्टीज की तो वो मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। वहीं उनकी कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास ऑडी Q3 है। कुल मिलाकर रश्मि $1 मिलियन की मालकिन है। अब बात करते हैं गोपी बहू यानी देवोलीना की। तो आपको बता दें कि उनका असम में एक आलीशान घर है, साथ ही साथ मुंबई में भी। कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास होंडा सिटी कार है। देवोलीना के नेटवर्थ की बात की जाए वो $3 मिलियन की मालकिन है। वहीं बिग बॉस के लिए दोनों को कितनी फीस मिल रही है इस बारे में भी हम आपको बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो रश्मि को 1,20,00,000 रुपए पर वीक मिल रहा है। वहीं देवोलीना की बात की जाए तो उन्हें 12,00,000 पर वीक। लेकिन नेटवर्थ के मामले में देवोलीना रश्मि से आगे है। वैसे आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।